हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में एस्टेट का पेपर करेंगे जो 2019 में आया था, तो हिस्ट्री का पेपर सोल्व करेंगे। देखिए अब वीडियोस कंटिन्यू आएंगी, दो दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसका भी कुछ कारण था जिस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी, अब कंटिन्यू आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लैंड के एक समकालीन रूढ़िवादी नेता जिसने 1857 को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, वह कौन थे। तो 1857 के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग स्टेटमेंट दी थी, किसी ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा है, तो उसी में से बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, राइट आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बेंजामिन डिजरेली। तो बेंजामिन डिजरेली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इसके बारे में देखते हैं और क्या स्टेटमेंट दी गई है विद्वानों के द्वारा। तो देखते हैं यहाँ पर 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके विभिन्न नाम जो कि विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा है एक सैनिक विद्रोह था। तो किसने कहा है, सैनिक विद्रोह, सर जॉन लॉरेंस और जो है सीले ने इसको सैनिक विद्रोह कहा है। सीले से और सैनिक विद्रोह से, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर ने क्या कहा, एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो ये वीडी सावरकर का जो स्टेटमेंट है, एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने कहा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का एक षड्यंत्र। उसके बाद देखिए एस एन सेन ने इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा है और टी आर होम्स ने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा है। आर सी मजूमदार ने क्या कहा है, न तो ये राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम। और उसके बाद है एल ई आर रिज ने कहा है धर्मांध और ईसाइयों के विरुद्ध ये युद्ध था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बेंजामिन डिजरेली की जो स्टेटमेंट है, बार बार यहीं पूछी जाती है, एक राष्ट्रीय विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना कब और कैसे कहाँ हुई थी, पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जमशेदपुर 1907। देखिए ये जो निशान लगे हुए हैं ये गलत पहले के लगाए हुए हैं किसी स्टूडेंट ने, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जमशेदपुर में 1907 में भारत में टाटा और लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी। उसके बाद भारत, अगला क्वेश्चन है, भारत में छापाखाना किसके द्वारा और कहाँ पर लाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में लाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा बम्बई में 1848 में प्रथम क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया वह था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट है, मानव प्रजाति का उत्पत्ति काल माना जाता है। तो यहाँ पर 190,000 से 160,000 BC के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट है, जो क्षेत्रीय राज्य हैं 18वीं शताब्दी के, उनसे रिलेटेड शासकों के नाम सुमेलित करने हैं यहाँ पे। तो निम्नलिखित 18वीं शताब्दी में स्थापित क्षेत्रीय राज्यों और उनके शासकों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो है सेकंड, ए का हो जाएगा हैदराबाद क्लिच खां, अवध का जो है सादत खां, और रोहेलखंड मोहम्मद का, और बंगाल का मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुचारी समुदायों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पहले का हो जाएगा थर्ड, महाराष्ट्र में धनगार महाराष्ट्र में, बी का फोर हो जाएगा बकरवाल जो है जम्मू एंड कश्मीर में, और सी का हो जाएगा सेकंड, राय का राजस्थान में, राय का रा और राजस्थान ऐसे आप कंपेयर करके चल सकते हैं, भोटिया जो है वो हो जाएगा कुमायूं और गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनानायक कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मेजर मुनरो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पूर्व पाषाण काल की प्रमुख विशेषता नहीं है, नहीं है बतानी है। तो शिकार जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था, बिल्कुल ये तो सही है। नेक्स्ट है, मानव गुफाओं में रहता था, ये भी सही है, मानव परस्तर उपकरण बनाने में लगा, तो ये भी सही है। और राइट आंसर यहाँ पर फोर हो जाएगा, धनुष बाण की खोज यहाँ पर नहीं की गई थी। नेक्स्ट है, अब्बासियों द्वारा उम्मीदों से सत्ता हासिल करने का वर्ष बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 750।
नेक्स्ट है, मुगलों ने बगदाद पर कब अधिकार किया था? मुगलों ने नहीं, मंगोलों ने, सॉरी, मंगोलों ने बगदाद पर कब अधिकार किया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1258 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अलीनगर की संधि में सम्मिलित नहीं था, बताना है। तो पहला है, अंग्रेजी कंपनी को पूर्ववत प्राप्त व्यापारिक सुविधाएं यथागत रहेंगी, बिल्कुल सही है। कलकत्ता की किलेबंदी की अनुमति दे दी गई, ये भी सही है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी कंपनी को हुई हानि की क्षतिपूर्ति देने का वचन दिया, ये भी सही है और ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अंग्रेजी कंपनी ने भारत में फ्रांसीसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने का वचन दिया, ये इसका जो है शर्त नहीं थी, बाकी तीनों थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ज्योतिबा फूले से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संजीवनी। धर्म, तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी का जीवन, ये सभी ज्योतिबा फूले से संबंधित है। नेक्स्ट है, घटनाओं को उनकी तिथियों के अनुसार सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर INA के मुकदमे के विरुद्ध विद्रोह 21 अक्टूबर 1945, राशिद अली मुकदमे के विरुद्ध विद्रोह 11 फरवरी 1946, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी 1946 और इंडियन नेशनल सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, चीन में साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1921 में। नेक्स्ट है, 1911 ईस्वी के पश्चात भारत में नव रोमन शैली का वास्तुकार, बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस। नेक्स्ट है, जर्मनी में नाजी के अतिरिक्त सभी राजनीतिक दलों के कर्तव्य को राजद्रोह घोषित करने वाला अध्यादेश कब जारी किया गया? तो 14 जुलाई 1933 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1823 में बनाई गई जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस में प्राच्यवादियों का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर डेविड हेयर आ जाएगा राइट आंसर, नहीं डेविड हेयर नहीं, पहला हो जाएगा H.T. प्रिंसेप। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ शहर की रूपरेखा किसने बनाई थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ली कॉर्बूसियर ने। नेक्स्ट है, यूरोपियों को उनके भारत आगमन के अनुसार जो है क्रमबद्ध लगाना है। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे फ्रांसीसी और लास्ट में डच। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, स्थाई बंदोबस्त के महत्वपूर्ण परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं था, बताना है। तो निष्ठावान जमींदार वर्ग उत्पन्न हुआ, ये भी सही है। किसानों को पूर्णतया कृषि उत्पादन में अनपेक्षित वृद्धि हुई, ये यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मलमल उत्पादन केंद्र नहीं था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ललितपुर नहीं था, बाकी सोनारगांव, कलिकट और बरबकाबाद ये सभी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक जिन्हें प्रधानतः लोक हितवादी के रूप में जाना जाता है, वह थे आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है, फ्रांस में राष्ट्रीय सभा द्वारा 1789 ईस्वी के मानवाधिकारों के घोषणा पत्र से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें केवल कर्तव्य अधिकार थे, कर्तव्य नहीं, ये भी सही है। इसमें मध्य वर्ग के हितों को सुरक्षा दी गई, ये भी सही है। और थर्ड है, इन अधिकारों के क्रियान्वयन की कोई गारंटी नहीं दी गई, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक जापानी बुद्धिवादी नहीं है, बताना है। तो 11th की बुक से लिया गया है क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो देखिए, ये जापान के जो बुद्धिजीवी थे वो पहला था फुकुजावा या कुछ, जो कि 1835 से 1901 तक रहा था, और उसके बाद है मियाके सेत्सुरे, उसके बाद है उइके एमोरी, ये तीनों थे। इन तीनों का जो है नाम पूछा गया है और ये 11th क्लास की NCERT है, उसी से क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज दूत जिसने 1715 ईस्वी में बादशाह फ्रुक्सियर को रोग मुक्त कर दिया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, विलियम हैमिल्टन। तो विलियम हैमिल्टन ने फ्रुक्सियर को रोग मुक्त कर दिया था,
नेक्स्ट है एक स्कॉटिश इंजीनियर जिसने सड़क बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मैकेडम, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुनर्जागरणकालीन वैज्ञानिकों एवं उसके आविष्कारों का जो है सुमेलित करना है, तो यहाँ पर देखिए ए का हो जाएगा थर्ड, कोर्डस ने किया था ईथर और हेल माउंट, बी का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सी विलियम हार्वे रक्त संचार, और डी है वेसेलियस मानव शरीर रचना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो पहला है ईसाइयत स्वीकार की, बिल्कुल इसने ईसाई को अपना राजधर्म बनाया था। सेकंड है इसने निरंकुश शासन विकसित किया, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पश्चिम में सह राजा नियुक्त किया, ये गलत है, और 4 भी सही है देवदूत के समक्ष उपाधि धारण की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है तृतीय धर्मयुद्ध का क्या कारण था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला मुस्लिम नेता सलादीन ने जेरूसलम है को पुनः जीत लिया था। तो यहाँ पर हम जो NCERT है 11th क्लास की बुक उसमें देखते हैं प्रथम धर्मयुद्ध जो है 1098 से 99 के बीच में हुआ था, और जो सेकंड है दूसरा जो है वो 1145 से लेकर 1149 के बीच हुआ था, और जो तीसरा धर्म युद्ध है वो हुआ था 1189 में। इसमें क्या था कि जो सलादीन है, सलादीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध करने का आह्वान किया और उन्हें 1187 में पराजित कर दिया। उसने पहले धर्मयुद्ध के लगभग एक शताब्दी बाद जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। उस समय के अभिलेखों से संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलादीन का व्यवहार जो है दयामय था, जो विशेष रूप से उस तरीके के व्यवहार से विपरीत था जैसे पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था। हालांकि उसने द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया और जेरूसलम पर एक बार फिर मुस्लिम शहर बना दिया गया। इस तरह से ये 1189 में तीसरे जो है धर्मयुद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला इनको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सुंग शासकों को क्रमबद्ध लगाना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहले पुष्यमित्र आता है, फिर आता है अग्निमित्र, और फिर आता है वसुजयेष्ठ और फिर वसुमित्र। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पूर्वी तटीय बंदरगाह नहीं है, तो पूर्वी तटीय बंदरगाह नहीं है बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फोर नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट तामलुक हो जाएगा। तो इनके बारे में जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथीरियन सी, इस किताब के लेखक जो अज्ञात हैं यूनानी ग्रीक लेखक हैं, और इसमें बंदरगाहों की चर्चा की गई है। पांडिचेरी के पास एक बंदरगाह है अरिकमेडू, रोमन बस्ती मिली है यहाँ से, और अगस्टस एम्फोरा का मंदिर मिला है, 2 सैनिक टुकड़ी के साक्ष्य मिले हैं, रोमन लैम्प मिला है, रोमन ग्लास मिला है। फिर है एक तो अरिकमेडू हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अरिकमेडू क्या है, तो एक बंदरगाह है जो। फिर है उरियूर कपास व सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। फिर कावेरीपट्टनम भी एक बंदरगाह है, और कोरकई भी और सालीपुर भी, ये सभी बंदरगाह हैं। तो ये जो अरिकमेडू है, उरियूर है और कावेरीपट्टनम, ये तीनों चोलों के थे, और कोरकई और सालीपुर ये पांड्यों के थे। पश्चिमी बंदरगाहों में कौन कौन सा आता है, ये पश्चिमी बंदरगाह है नोरा, तोंडी, मुसीरी और वांजी, ये सब पश्चिमी बंदरगाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मुगल काल में किसी अन्य गांव के किसानों द्वारा खेती करने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, पहिकास्त।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण युगीन भस्म टीले यानी कि इराक के टीले से नहीं जाना जाता? तो यहाँ पर बुर्ज होम हो जाएगा, इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं, देखिए कुछ नवपाषाणकालीन यहाँ पर स्थल दिए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप जान लीजिए। तो बुर्ज होम और गुफ क्राल नवपाषाणकालीन है, बलूचिस्तान, कोल्डी, वाचो, पानी, मांडो, मैग्रा, यहाँ से अलग अलग जो है चीज़ें मिली हैं। ठीक है, अब देखिए राख के टीले कहाँ से मिले हैं वो जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर राख के टीले उतनूर, कुपगल, कोडेकल और कुडेकल आएगा यहाँ पे, तो ये कुडेकल से राख के टीले मिले हैं। और बुर्ज होम, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं बुर्ज होम में? गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले बुर्ज होम और गुफ क्राल से? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं, तो इन सब से के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबवाब संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अमीरों के लिए जाने वाली अतिरिक्त विधि संगत प्रभार। नेक्स्ट है, निम्न दो कथन दिए गए हैं, एक दावा करता है यानी कि कथन कारण बताए गए हैं। तो कथन है, अकबर ने राजपूत नीति अपनाई क्योंकि राजपूत अपने वचनों के पक्के होते हैं, परिस्थितियों के कारण अकबर की अफगान नीति भिन्न थी। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए सही है लेकिन आर गलत है, आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो पहला है, इसने जीवन के सरल मार्ग को जो मार्ग का है वो उपदेश दिया, बिल्कुल सही है। इसने ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संवाद का उपदेश दिया, बिल्कुल सही है। इससे जनता में समानता और भाईचारे का मार्ग प्रशस्त हुआ, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, इसने बहुदेववाद में विश्वास किया और तीर्थयात्रियों के लिए निर्देशित किया, ये सही नहीं है। यहाँ पे मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है, चहुंदड़ों के शिल्प उद्योग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर संकटाई होती थी, मन का निर्माण, मोहर, स्वर्णाभूषण, ये राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, बी सी और डी। नेक्स्ट है, औरंगजेब का नशक की नीति को लागू करना संकेत करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रशासनिक तंत्र की दुर्बलता को। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जिसने स्वयं ही खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जानते हैं इसके बाद। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश से रिलेटेड था और अलाउद्दीन के अंगरक्षकों ने मलिक काफ़ूर की हत्या कर दी और मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा, इसकी यहाँ पर उपाधियाँ दी गई हैं। देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने लगाया भी हुआ है और इसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसकी उपाधियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी उपाधि थी अल बसिक बिल्ला, अल इवाम, अल इमाम और मैं ही खलीफा हूँ। कहा गया है कि खुद ही खलीफा की घोषणा किसने कर दी थी? तो मुबारक खिलजी ने। खलीफा का अवतार खलीफातुल्ला और खलीफत अल अल उल्ला, ये सब इसकी उपाधियां हैं और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसके बारे में है, मुबारक शाह खिलजी, इसी को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी कहा जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर द्वारा निर्मित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमिलित करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री नहीं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए रत्नावली हो जाएगी हर्ष से रिलेटेड, रत्नावली हो जाएगा हर्ष से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है, ए का हो जाएगा सेकंड हर्ष रत्नावली, बी का हो जाएगा फर्स्ट सूर्य शतक मयूर, सी का हो जाएगा फोर चंडी शतक बाणवट और डी का हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो यहाँ पर हिंडोला महल मांडू, एक लाखी कबर पांडुआ और तीन दरवाजा अहमदाबाद और जमाता खाना मस्जिद मलिकपुर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। नेक्स्ट है, निम्न में से एक ग्रंथ मिनेंडर के बारे में सूचना देता है, वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवदान कल्पलता। नेक्स्ट है, किताबें दी गई हैं उनको सूचित करना है लेखक से, तो यहाँ पर देखिए
कामिलुत तवारिख इब्नुल आसिर, तारिक ए मुहम्मदी मुहम्मद बी हामद खानी, किताबुल रहला इब्न बतूता, फुतु अल सलातीन ख्वाजा अबू मलिक इसामी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में कोपाध्यक्ष कौन होता था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन विभाग का प्रमुख। तो इनके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए, पणाध्यक्ष हो जाएगा व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष चारागा प्रमुख, कुएं निर्माण का अध्यक्ष, सूराध्यक्ष आबकारी शराब विभाग का अध्यक्ष, सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष राजकीय भूमि का प्रमुख, गणिकाध्यक्ष गणिका विभाग का प्रमुख, फिर है अब अकाराध्यक्ष खान विभाग का प्रमुख, कूपाध्यक्ष ये पूछा गया है वनों का अध्यक्ष, ठीक है, और आयुधागाराध्यक्ष आयुध विभाग का अध्यक्ष, कोषागाराध्यक्ष गोदाम का प्रमुख, शुल्काध्यक्ष शुल्क इकट्ठा करने वाला, सूत्राध्यक्ष कटाई बुनाई प्रमुख, लोहाध्यक्ष धातु विभाग का प्रमुख, गोध्यक्ष पशु विभाग प्रमुख, लक्षणाध्यक्ष छापेखाने का प्रमुख, रूप दर्शक सिक्कों की जांच का अधिकारी, और सौवर्णिक टकसाल का प्रमुख, नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का प्रमुख, पतनाध्यक्ष बंदरगाहों का प्रमुख, संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का प्रमुख, पोतवाध्यक्ष मापतोल का प्रमुख, मानाध्यक्ष समय दूरी व मापने का प्रमुख, अश्वाध्यक्ष अश्वशाला का प्रधान, हस्ताध्यक्ष हाथी का प्रमुख, और सवर्णाध्यक्ष सोने का व्यापारी, और अस्पटलाध्यक्ष महालेखाकार और धार्मिक कार्यों का प्रमुख। तो ये कुछ प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा जिन ग्रंथ में अपने राजस्व आदर्शों का उल्लेख किया गया है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमुक्त माल्यादि जो है कृष्णदेव राय द्वारा रचित है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को जो है सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा साकल, यजुर्वेद हो जाएगा वाजसनी, सामवेद हो जाएगा सोनक कोमुत, और अथर्ववेद हो जाएगा सोनक। तो इनके बारे में भी जानते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, एक तालिका है वो आप बिल्कुल याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, वेद दिए गए हैं, ये वेद हैं, चारों वेद दिए गए हैं, यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, ठीक है। फिर उनके बारे में कौन से वेद का पुरोहित क्या होता है, जैसे ऋग्वेद का होत्र होता है और यजुर्वेद का पुरोहित अदवर्यु होता है। फिर इनके भाग के बारे में बताया गया, विषय वस्तु क्या है, ब्राह्मण इनके बताए गए, आरण्यक उपनिषद, हर जो है वेद के अलग अलग यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए ये ऋग्वेद है और ये यजुर्वेद और ये सामवेद और ये अथर्ववेद, इनके पुरोहित हैं। ऋग्वेद का पुरोहित पूछ लिया जाएगा, जैसे चार पुरोहित दे दिए जाएंगे, चार वेद उनको ऐसे मिलान करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद का है होत्र और यजुर्वेद का अदवर्यु और सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। उसके बाद भाग देख लेते हैं, ऋग्वेद के भाग हैं वास्कल बालखिल और साकल्य, और यजुर्वेद के हैं देखिए मैत्रायणी तैत्रीय काठक कपिष्ठक और कांड, ठीक है। और जो सामवेद के हो जाएंगे कोथुम राणायणीय जैमिनीय, अथर्ववेद के हो जाएंगे सोनक और पिपलाद। तो सोनक देखिए अथर्ववेद से रिलेटेड है और कोथुम जो है सामवेद से रिलेटेड है, ये आज जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा उसमें पूछा गया है। तो विषय वस्तु देख लीजिए इनकी क्या है, इस सामवेद में संगीत गायन के बारे में बताया गया, जादू टोना के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है, यज्ञ कर्म कांड में यजुर्वेद में बताया गया, और देवताओं की स्तुतियों या प्रार्थनाओं के बारे में ऋग्वेद में बताया गया। फिर इनके ब्राह्मणों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं ऐत्रीय कोसित की संखायन, ऋग्वेद के यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं सतपथ मैतारिणी तैत्रीय। उसके बाद देखिए, सामवेद के हैं जैमिनीय और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। तो आप ये तालिका बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा दंडी द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मुगल काल में टकसाल शहर नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, भोपाल नहीं था, बाकी आगरा, अहमदाबाद, अजमेर थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय इतिहास का लौकिक साहित्यिक स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ललित विस्तार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कौटिल्य द्वारा उल्लिखित विधि का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, प्रत्युक्त। नेक्स्ट है, मुगलकालीन शहरों और औद्योगिक उत्पादन जिनके लिए वे प्रसिद्ध थे को सम्मिलित करना है यहाँ पे, तो ए का हो जाएगा रेशम कताई केंद्र, ए का हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, और गलीचा, बी का हो जाएगा ऑप्शन फोर, आगरा और लाहौर, सी मलमल का हो जाएगा ढाका, और रंगीन छपे वस्त्र का हो जाएगा मद्रास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार एवं अर्थ को सुमिलित करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, मान्यताएं हैं या फिर दर्शन, उनमें ये सब आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मति ज्ञान है, इंद्रियों से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, अर्थात छूने से, देखने से, वो सब क्या है, इंद्रिय जनित ज्ञान है। श्रुति ज्ञान जो प्राप्त होता है सुनकर। अवधि ज्ञान दिव्य ज्ञान होता है। मन पर्याय मन से प्राप्त ज्ञान होता है। और कैवल्य होता है पूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्तकालीन भूमि की माप नाप से संबंधित शब्द नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अप्रहत वाप, ये नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट शासक जिसने 8वीं शताब्दी में एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कृष्ण प्रथम। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो शासक क्रम से आए उनका क्रम ये है, सबसे पहले दंती ध्रुव गारा, फिर कृष्ण पर फर्स्ट गोविंद, सेकंड ध्रुव, और फिर गोविंद तृतीय, और लास्ट में जो था वो, देखिए यहाँ पर दंती ध्रुव है, दंती ध्रुव इसके संस्थापक माने जाते हैं, और जहाँ पर मैंने नोट्स में जो इम्पोर्टेंट लगाए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, जो हिरण्यगर्भ के बारे में पूछ लिया जाता है किसने करवाया था, तो दंती ध्रुव ने, और एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण आ जाए तो दंती ध्रुव करना है, और हमारे जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण फर्स्ट ने, एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, दंती ध्रुव ने। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रकूटों में वो है अमोघ वर्ष यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछ लिया जाता है अमोघ वर्ष के बारे में कौन से अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो संजन ताम्रपत्र और नीलगुंड अभिलेख से रिलेटेड है अमोघ वर्ष से। यहाँ पर इसने एक कन्नड़ भाषा में एक जो है किताब लिखी थी, कवि राजमार्ग, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, इसकी भाषा पूछ लिया जाती है किस भाषा में है, तो कवि राजमार्ग अशोक घोष की रचना है, और संस्कृत भाषा में है, नहीं सॉरी, कन्नड़ भाषा में है, संस्कृत भाषा में है इसकी रत्नमालिका, तो ये दो किताबें लिखी थी। रत्नमालिका है संस्कृत भाषा में, कवि राजमार्ग है कन्नड़ भाषा में, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ही। और देख लेते हैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो अमोघ वर्ष है उनका जन्म नर्मदा नदी के तट पर एक नर्सरी भवन के निकट रण शिविर में हुआ था। अमोघ वर्ष का जन्म, अमोघ वर्ष ने मान्य खेत नगर की स्थापना की थी और इसी को आगे चलकर इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, अमोघ वर्ष के समय ही सुलेमान जो विदेशी यात्री था, सुलेमान कब आया था, अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट शासक है उसके समय में भारत आया था। अब इंद्र थर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो चेदी विजय स्तंभ है वो इंद्र थर्ड ने बनवाया था। कन्नौज पर अधिकार किया था इसने। अरबी यात्री अल मसूदी ने इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है, किसे, इंद्र थर्ड को। फिर कृष्ण थर्ड के बारे में क्या कहा गया है,
इनके राज्यारोहण के समय इन्होंने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। एग्जामिनेशन पूछा जाता है अकाल वर्ष की उपाधि किसकी थी, कृष्ण थर्ड की। फिर इसने तंजईकोंड की उपाधि भी धारण की थी, कृष्ण थर्ड ने। पूछा जाता है जो तंजईकोंड की उपाधि और कांचीकोंड की उपाधि किसने धारण करी थी, कृष्ण थर्ड ने। तो इसका लास्ट जो करक द्वितीय था, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक इसको कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे राष्ट्रकूट के बारे में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद युगीय गणतंत्री व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर उबाहिक। उबाहिक जो है गणतंत्री व्यवस्था से रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल कहाँ पर नहीं हुए हैं। तो मध्य पाषाण युगीन पुरातात्विक स्थल पूछे गए हैं, जैसे मैंने नवपाषाणकालीन स्थल आपको दिखाए थे, एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं नवपाषाणकालीन स्थल। तो यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन स्थल पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, कश्मीर जो है वो नवपाषाणकालीन स्थल है, बाकी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं। कश्मीर में नवपाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट भी, संगीत में नाटक भारत के जिस क्षेत्र में मुख्यतः खेला जाता है, वह पंजाब और हरियाणा। स्वांग के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, तिगवा सूर्य मंदिर। तो यहाँ पर बाकी तीनों सही हैं और ये फोर है वो सही नहीं है। तो देखिए, ये थे 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे एचटेट पीजीटी हिस्ट्री में, जिनकी व्याख्या कुछ जो प्रश्न हैं जिनकी व्याख्या मैंने आपको बताई, जो इम्पोर्टेंट है, बार बार जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उनको मैंने आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, ताकि आपकी और हेल्प हो जाए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।